मैं डॉक्टर त्रिपाठी, हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक के मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू दिस फंक्शन, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। तो आइए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, उस तरीके को समझने की कोशिश करते हैं। y इक्वल टू, मान लेते हैं इसे कि y इक्वल टू लिखा हुआ है कॉट इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस रूट 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये साइन एक्स को लिख दिया। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर, आप इसे डिनोमिनेटर में लिख दें 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब दो रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, वो आप ध्यान रखिएगा, बहुत यूजफुल रिजल्ट है इनवर्स के डिफरेंशिएशन के लिए। 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आप इसको लिख पाएंगे y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा, इसे थीटा ज्यूम कर लें तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इज व्हाट पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दें 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 होल अपॉन, यही जो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में एक्सेप्ट प्लस, ये माइनस की जगह प्लस होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। कॉट इनवर्स, इसमें से रूट टू कॉमन, ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट और ये गायब, कॉस पाई बाय 2 अपॉन 2 आप लिख सकेंगे पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस रूट 2 आपने कॉमन लिया, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 अपॉन 2 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। डिनोमिनेटर में देखिए रूट टू कॉमन, बिल्कुल उसी तरह जैसे न्यूमरेटर में था, तो ये भी हो जाएगा एक्सेप्ट दिस माइनस, यहां पर आएगा प्लस। ये रूट टू कैंसिल। अब एक इसको कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1 माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 1 प्लस टेन
पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। फिर आप एक फॉर्मूला याद होगा आपको कि 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा को आप लिख सकते हैं टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम और यहां लिखेंगे हम कॉट इनवर्स टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा। थीटा इज व्हाट, तो ये थीटा है पूरा, तो माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए क्या बना, कॉट इनवर्स पाई बाय 4 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बना कॉट इनवर्स टेन एक्स बाय 2। कॉट इनवर्स टेन एक्स बाय 2 को आप लिख सकते हैं कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, ये होगा पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, और एक्स बाय 2 को चाहें तो आप ऐसा लिख दें 1 बाय 2 इंटू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन dy by dx, d dx ऑफ पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2 x, पाई बाय 2 का 0 माइनस 1 बाय 2 कांस्टेंट, x का 1, तो फाइनल आंसर आपका आया है माइनस 1 बाय 2। तो ये देखा आपने दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 6 का, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ x लिखा हुआ आ जाता है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन x की जगह x आ जाता है, एक्स स्क्वायर आ जाता है, कॉट इनवर्स की जगह टेन इनवर्स आ जाता है। तो उस केस में आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर दें, x हो तो x को साइन थीटा लिख लें, एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर को साइन थीटा लिख लें, और इसी तरीके से आप उसका प्रूफ दे सकते हैं। और इसको एक बार खुद जरूर ट्राई करें ताकि आप एग्ज़ाम में इसे डिलीवर कर पाएँ। मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ, आप मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरी, और कोई प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो मुझे लिख के ज़रूर भेजें। इस चैप्टर की हो, किसी चैप्टर की हो, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप बहुत क्विक आंसर चाहते हैं, क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9685698056। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी आप अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों को ऑल द बेस्ट।